हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन के इस वाले पेज पे जो है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुडंट कनेक्ट टू डिस्कवर। ठीक है, तो आपके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल फोन में बताने जा रहा हूँ ये चीज, ये सेटिंग। और देखिए मेरे पास ये IQ का मोबाइल फोन है। काफी सारे लोगों के पास अलग अलग एंड्रॉयड मोबाइल फोन होते हैं, उनके मोबाइल फोन का जो होम स्क्रीन का पहला पेज होता है, इसे आप राइट में ऐसे स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे गूगल का पेज आता है, लेकिन यहाँ पे गूगल का पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में एक काम और करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की जो होम स्क्रीन होती है ना, होम स्क्रीन की खाली जगह पे आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे सेटिंग का ये ऑप्शन होता है, सेटिंग पे सिलेक्ट करना है। अब ये इस तरीके से पेज आएगा। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन मिलता है गूगल डिस्कवर का। गूगल डिस्कवर के सामने वाले इस बटन को ऑफ कर देना है। अब इसे चालू कर देना है दोबारा। ठीक है, ऑफ करने के बाद इसे दोबारा चालू कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गूगल डिस्कवर जो सेटिंग है ना, जो हमारा गूगल का वही पेज जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसे ही गूगल डिस्कवर बोला जाता है, इसीलिए मैंने इस सेटिंग को ऑफ करके चालू करवाया आपसे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं जो अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन के पहले पेज पे दोबारा से आ चुका हूं। अब देखिए होम स्क्रीन के इस पहले पेज को मैं दोबारा से राइट में स्लाइड करूंगा ना, तो देखिए अब यहां पे गूगल का ये पेज दिखाई दे रहा है। यहां पर जो एक पहले प्रॉब्लम आ रही थी ना, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुडंट कनेक्ट टू डिस्कवर, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है और ये गूगल का पेज हमारा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके एंड्रॉइड फोन में, तो आप इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना,